अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की नुमाइश के अंदर। यहाँ पे सोलर पाकिस्तान के हवाले से नुमाइश लगाई गई है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सोलर पैनल्स, कौन से सोलर पैनल्स हैं और साथ में इन्वेंटर्स भी यहाँ पे दस्तियाब हैं, कौन कौन से इन्वेंटर हैं, उनकी क्या कॉस्ट होगी। और यहाँ हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर नुमाइश के इन्वेटर हैं कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ की यहाँ पे सोलर पैनल्स और इन्वेंटर्स लेकर आए हैं और साथ में सोलर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। Pakistan is going through energy crisis these days. There is too much need regarding these issues. So, what especially, basically, special offer also you are giving this if somebody purchase some items from you, you can give like motorbike, LCDs and other things. And this is Willen from China. We are from this Dongqing Group company. Actually, we are manufacturer of this battery, all the type of battery. Like we can come to inside to check which type of battery we are making. One side we are making this lithium battery for solar energy storage battery. This lithium battery we making in the China factory. We are importer from China to Pakistan. But we also have another type of battery, same like this lead acid battery, which we making the local. Our factory in the Qasim townsite. We have over 30 years experience for making all the type of the battery. Basically, what offer you are giving to especially Pakistan, as you know that Pakistan is going energy crisis these days? Yeah, that's why we are bringing our technology and our production come to Pakistan for supply the week of the electricity here. So we making all the type of battery, whatever the lead acid battery or lithium battery, this all is storage battery. Yeah. What special offer giving here in Expo Center now? We give all to the customer about our technology and the production. Thank you. फ्रॉम लॉन्जी सोलर, हम यहाँ पे हैं एक्सपो में और ये सोलर पाकिस्तान एक्सपो हर साल होती है, साल में दो दफ़ा होती है, एक दफ़ा लाहौर में होती है, एक दफ़ा कराची में होती है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस आ रहा है, रिस्पांस थोड़ा स्लो है। उसकी रीज़न कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जैसे एलसीज के इशू चल रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी जो कस्टमर हैं वो हमारे ख़राब हो चुके हैं और अभी हमारे पास बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। और मूविंग ऑन, यहाँ पर एक्सपो आने का मकसद यही होता है कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, डायरेक्ट उनके इशूज़ और जो कंसर्न है रिगार्डिंग लॉन्जी सोलर, बिकॉज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो फेक पैनल होते हैं, बी ग्रेड के पैनल, वो आ रहे होते हैं। उनको गाइड किया जा सके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बी ग्रेड का पैनल कैसे होता है और लॉन्जी के ओरिजिनल पैनल कैसे होते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे पैनल डिस्प्ले में लगे हुए हैं तो लोगों को हम उस पर गाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आगे मकसद ये है कि आप एंड यूज़र को गाइड कर सकें कि सोलर पैनल के क्या फ़ायदे हैं और आपको सोलर की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि गैस और इलेक्ट्रिसिटी से प्राइस ऊपर जा रही है तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट रिन्यूएबल्स। लॉन्जी पाकिस्तान में 2019 से काम कर रही है और लॉन्जी दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है। इस वक्त हमारी अराउंड 15 मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम लीडर हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी एनुअल कैपेसिटी है अराउंड 70 गीगावाट की। इस साल की हमारी शिपमेंट थी अराउंड 50 गीगावाट ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना में लॉन्जी कर रहा है 2000 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर आप कह लें 22 साल से कर रहा है लॉन्जी। बेसिकली पहले वेफर, सोलर वेफर बनाता था जो मेन पार्ट है सोलर मॉड्यूल का, और 2016 के बाद लॉन्जी ने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं। और राइट नाउ हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो एनुअल कैपेसिटी है सोलर मैन्युफैक्चरिंग की। हमारे पास लॉन्जी की जो भी सोलर रिलेटेड सर्टिफिकेशन होती है वो सारी होती हैं, मतलब आप SGS की सर्टिफिकेशन कर लें, 2UV सर्टिफाइड हैं, ओवरऑल मतलब कि हम सारी दुनिया में सप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारी सर्टिफिकेशन होती हैं। ISO तो ISO पाकिस्तान में, ISO पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मैनुफैक्चरिंग नहीं है तो ISO हमारे पास नहीं होती है, ये PSI COC रिपोर्ट ही होती है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर
एनी अदर क्वेश्चन? ISO तो इंटरनेशनल का ही है, वहाँ नहीं चलता क्या? नहीं, ISO चलता है, बिल्कुल चलता है। नहीं, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, 9001 है, फिर वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड है, वो सारे हैं, वो सर्टिफिकेशन है। हाँ, वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्सपोर्ट होती है दुनिया के अंदर, कहीं भी वो ISO सर्टिफाइड ही कर सकते हैं। ना, मैं आज छोड़ पाकिस्तान ISO सर्टिफाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हाँ सब वहीं का है। जी, वहीं के।